सुप्रभात, मैं साक्षी स्वागत करती हूं आपका देवभूमि इनसाइट में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब के युवराज से कई मुद्दों पर व्यापक बातचीत। पीएम बोले, भारत के लिए सऊदी सबसे अहम रणनीतिक साझेदारों में से एक। ब्रिटेन के पीएम ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत यात्रा को बताया महत्वपूर्ण। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी समर्थित वकील का नोटिस, अशोक चक्र के गलत इस्तेमाल करने का आरोप। G20 शिखर सम्मेलन की ड्यूटी पर तैनात 13 कर्मियों की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के अस्पतालों में भीड़। बेंगलुरु चेन्नई NH पर दर्दनाक सड़क हादसा, 7 महिलाओं की मौत। तो ये थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। बीजेपी ने सीएम धामी को दिया बागेश्वर उपचुनाव की जीत का श्रेय, मुख्यमंत्री को करेंगे सम्मानित। सिर्फ 21 साल की उम्र में शहीद हो गया उत्तराखंड का लाल, कनौल गांव में पसरा मातम। मुनि की रेती PWD तिराहे पर पलटा ट्रक, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। देहरादून में बार डांसर की हत्या, आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार। डेंगू की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार ने बनाया नया प्लान, एक ही जगह में डेंगू के 10 मामले मिलने पर बनेंगे माइक्रो कंटेनमेंट जोन। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।